नमस्कार, आप देख रहे हैं पीपीए 24 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। नोकझोंक और झड़प के बीच भाजपा और सपा प्रत्याशी ने किया नामांकन। देवरिया में नोकझोंक और झड़प के बीच शनिवार को भाजपा और सपा के प्रत्याशी ने जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए नामांकन किया। इस दौरान शहर के कचहरी चौराहे से लेकर कलेक्ट्रेट तक पुलिस छावनी बना रहा। एसपी डॉक्टर श्रीमती मिश्र खुद मौके पर जमे रहे। नामांकन को देखते हुए सुबह 9 बजे से ही शहर के सुभाष चौक कचहरी चौराहा कलेक्ट्रेट व रुद्रपुर मोड़ पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया था। इस दौरान पुलिसकर्मी शक के आधार पर कुछ लोगों की तलाशी भी ले रहे थे। करीब 11 बजे नामांकन के लिए भाजपा और सपा कार्यकर्ताओं का कचहरी से लेकर कलेक्ट्रेट गेट तक जमावड़ा होने लगा। करीब 11:30 बजे भाजपा प्रत्याशी गिरीश तिवारी अपने समर्थकों के साथ नामांकन करने पहुंचे। उनके साथ कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, सदर विधायक डॉक्टर सत्य प्रकाश मणि त्रिपाठी व भाजपा जिला अध्यक्ष अंतर्यामी सिंह भी थे। उन्हें कलेक्ट्रेट गेट से अंदर भेज दिया गया। करीब 5 मिनट बाद ही सपा प्रत्याशी शैलजा यादव अपने पति अजय यादव, MLC राम सुंदर दास, विधायक आशुतोष उपाध्याय व जिला अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप यादव समेत अपने अन्य समर्थकों के साथ पहुंच गई। गेट पर मौजूद SDM ने भाजपा प्रत्याशी के बाहर निकलने के बाद अंदर आने की बात कही। पुलिस कर्मियों ने सभी को गेट पर ही रोक दिया। ये देख सपा कार्यकर्ता नारेबाजी के साथ हंगामा शुरू कर दिया। ये लोग प्रशासन पर पक्षपात का आरोप लगा रहे थे। बवाल बढ़ता देख सपा प्रत्याशी व उनके प्रस्तावक को अंदर जाने दिया गया। इस पर सपाई भाजपा के अधिक लोगों को अंदर प्रवेश कराने का आरोप लगाने लगे। कुछ ही देर में SP डॉक्टर श्रीपति मिश्रा मौके पर पहुंच गए। उन्होंने हंगामा कर रहे सपा कार्यकर्ताओं को चेतावनी दी, फिर भी वे शांत नहीं हुए। इस पर पुलिस ने लाठी भांजकर उन्हें खदेड़ा। पुलिस ने एक सपा कार्यकर्ता को हिरासत में भी ले लिया। इस दौरान सपा विधायक आशुतोष उपाध्याय की SP से नोकझोंक हो गई। नहीं चलेगी। जब जब योगी करता है पुलिस को आगे।